हेलो दोस्तों, 3:30 बजे हैं आज दिन की। मैंने कोई ब्लॉग ही नहीं बनाया आज सुबह। तीज की पूजा और की थी ना, तो फिर वही ब्लॉग दोपहर को डाला था। तो अब आई हूँ किचन में। बहू आज पीहर गई, उसकी बहन आई हुई है तो वो पीहर चली गई मिलने उससे। और अब मेरे को चाय बनानी है, चाय बनाने आई हूँ किचन में। तो मैगी भी बना देती हूँ बेटे के लिए। आज चूड़ियां पहनी थी, उतारी नहीं अभी तक, अब उतारूंगी, गर्मी लगती है। तो दोस्तों, मैंने फिर शाम को दाल चावल बना लिए थे। मेरा तो व्रत था तो इनके लिए और बेटे के लिए दाल चावल बना दिए थे। शाम को बस हल्का फुल्का ही खाते हैं, वैसे भी ज़्यादातर हल्का फुल्का खाना ही बनता है। कभी खिचड़ी बना लेते हैं तो कभी दाल चावल, कभी इडली बना लेते हैं, ऐसे करके। और शाम को तो हम हमेशा ही हल्का फुल्का खाना बना लेते हैं, जिससे पेट हल्का भी रहता है। और हमारी तो आदत है दाल चावल की शाम को खाने की। चावल डाल रही हूँ यहाँ पर मैं धोकर, और फिर दाल भी बना लूँगी। और धनिए मेरे साबुत पड़े हैं, काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ उनको पीस लूँ, लेकिन बस पीस ही नहीं पाती हूँ। तो आज मैं धनिया भी पीस लूँगी। जो दाल चावल बनते रहते हैं तो मैं 2-3 काम कर लेती हूँ साथ का साथ, जैसे मसालेदानी भरनी है, खाली होती रहती है मसालेदानी तो वो भर लेती हूँ, या कोई धनिया वगैरह पीसना होता है तो वो पीस लेती हूँ, या एक्स्ट्रा कोई काम ज़रूर कर लेती हूँ दाल चावल के साथ। तो दाल चावल बनते रहते हैं और मैं अपना एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। Thank you.
बोतल रखी थी सॉस की, तो सोच रही थी इसको धो दूँ, भिगो के रखी थी मैंने, तो आज इसको धो लिया और अब इसको कलर करूँगी मैं, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जब भी इसको कलर करूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे मैंने बहुत सी कांच की बोतल रख रखी हैं जिन्हें मुझे कलर करना है, तो मैं इसमें कलर करूँगी, तब आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर मैं मसालेदानी भर रही हूँ, रोज़ खाली हो जाती है थोड़ी थोड़ी, कभी मिर्ची खाली हो गई, कभी जीरा खाली हो गया, कभी धनिया खाली हो गया, बस यही चलता रहता है घरेलू काम। हर औरत के यही परेशानियाँ आती हैं, किचन में आने के बाद वो बिल्कुल भी फ्री नहीं रह पाती है, कभी कुछ कमी दिखती है, कभी कुछ कमी दिखती है। तो यहाँ पर मैं ये मसालेदानी भर के और मैं धनियों को पीसूंगी। तो धनिया मुझे दरदरा पसंद है और घर का ही पसंद है, तो मैं हमेशा धनिया घर में ही पीसती हूँ मिक्सी में। ये मैंने पीस लिए हैं और इनको रख दिया है डब्बे में भर के, और अब मैं थोड़ा सा ही घी भरूंगी डब्बे में। जो कागज़ के डब्बे में घी होता है उसको मैं गरम गैस के ऊपर रख देती हूँ, आसपास खाना बनता रहता है और डब्बा थोड़ा गरम हो जाता है तो इसका घी आराम से निकल जाता है, जो बिल्कुल बाकी घी रहता है इसमें चिपका हुआ वो सारा निकल जाता है। तो मैं जब भी खाना बनता होता है तो उसके पास में रख देती हूँ, बचा के रखती हूँ आग से, जिससे कि जले नहीं, बीच में रख देती हूँ, उससे मेरा ये सारा घी गर्म होकर और निकल आता है डब्बे में। खाना मेरा बन चुका है और अब मैं खाली बैठी अरबी काट के रख दूँगी कल के लिए, कल इसकी सब्जी बनाऊँगी। इतनी देर में साहब ने अगरबत्ती कर दी है, शाम हो चुकी है और मैं अब अरबी काट कर और थोड़ा सा जो कल का अखबार है बुधवार का उसमें से कटिंग रखूँगी। मेरी आदत है कि कोई भी अच्छी रेसिपी होती है या कोई सौंदर्य वाले टिप्स होते हैं, ब्यूटी टिप्स वगैरह, जो भी उसमें अच्छी चीज़ मुझे अखबार में दिखती है मैं उसको काट के उसकी कटिंग रख लेती हूँ अपनी कॉपी में, और फिर जब टाइम मिलता है तो उसको अपनी कॉपी में चिपका देती हूँ। तो यहाँ पर तो मैं अपनी चूड़ियाँ उतार रही हूँ क्योंकि पानी से ख़राब हो जाएंगी चूड़ियाँ, उसके बाद मैं अखबार की कटिंग करूँगी। तो ये कटिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मैं कभी लिखती भी थी, कभी लिखा करती थी, अब यूट्यूब में आ गई तो मेरा लेखन कार्य तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। तो ये शौक़ तो मुझे रहेगा ही हमेशा, और इस शौक़ को मैं वापस शुरू करूँगी। कहानियाँ लिखना है या रेसिपीज़ लिखना है, ये चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। तो अब मैं टाइम निकाल के इस पर भी ध्यान
करूँगी अपना, क्योंकि ये शौक़ भी मुझे बहुत है लिखने का और पढ़ने का और इन चीज़ों को संभाल कर रखने का। बहुत से मैंने परिवार जो आता है अखबार में, एक तो वो परिवार वाला अखबार मैंने बहुत सारे संभाल कर रख रखे हैं, और बहुत सारी ग्रह शोभा, ग्रह लक्ष्मी वगैरह जो पत्रिका हैं वो मेरे पास बहुत इकट्ठी हैं, और मैं इनको पढ़ती भी हूँ और रखती भी हूँ इनको संभाल के। तो ये मैंने कॉपी में रख दी। और आज के ब्लॉग में इतना ही दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।